कोरोना महामारी से बचाव के लिए लगाए गए लॉकडाउन में सरकार भले ही हर जरूरतमंद तक ना पहुंच पा रही हो, लेकिन कुछ समाज सेवी संस्थाएं ऐसी हैं जो अपने स्तर पर हर जरूरतमंद तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। जीरकपुर में भी नवजीवन फाउंडेशन की ओर से न सिर्फ जरूरतमंद लोगों को खाना मुहैया करवाने के लिए गरीबों की रसोई शुरू की गई, बल्कि संस्था के सदस्य खुद कॉलोनी कॉलोनी जाकर लोगों की दुकानों और घरों को सैनिटाइज करने का भी काम कर रहे हैं, जिससे वे लोग इस बीमारी से अपना बचाव कर सकें। नवजीवन फाउंडेशन के अध्यक्ष पवन कुमार नेहरू इस काम में अपने बेटे को भी साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि लॉकडाउन के कारण वह भी घर पर ही रहते हैं। ऐसे में वह भी अपने पिता की पूरी मदद कर रहे हैं। जीरकपुर के एक इलाके में लोगों के घरों को सैनिटाइज कर रहे नवजीवन फाउंडेशन संस्था के अध्यक्ष पवन कुमार नेहरू से हमारे संवाददाता IH खान ने खास बातचीत की। दोस्तों, जहां देश में महामारी और इस कोरोना महामारी के चलते पूरा देश लॉकडाउन है, सब अपने घरों में कैद हैं, मगर इसी बीच कुछ कोरोना फाइटर्स लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हालांकि पूरे देश में कई कोरोना फाइटर्स पर हमले की घटनाएं भी सामने आई है, मगर इसके बावजूद भी इन कोरोना फाइटर्स का हौसला कम नहीं हुआ है। इसी बीच एक हमारे साथ आज कोरोना फाइटर्स हैं, मिस्टर पवन कुमार नेहरू जी, जो जीरकपुर से हैं। ये लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं और रोज़ाना गलियों में, घरों में और सोसाइटियों में जाकर लगातार गलियाँ सैनिटाइज कर रहे हैं, मोहल्लों को सैनिटाइज़ कर रहे हैं, ताकि इस कोरोना महामारी को रोका जा सके। आइए आज हम उनसे मिलवाते हैं। नेहरू जी, भारत लाइन में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार जी। पहले तो आपको दिल से सलूट है सर। इस कोरोना महामारी के चलते भी आप अपनी टीम के साथ लगातार सेवाएं दे रहे हैं, रोजाना अपने घर से निकलकर गलियों मोहल्लों को सैनिटाइज कर रहे हैं। सर, कैसा महसूस होता है, क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है इस बीच आपको? मेरे को बहुत अच्छा महसूस होता है, शायद कभी भी ऐसा महसूस ना हुआ हो, पर मेरे को सबसे ज़्यादा महसूस तब होता है जब मैं किसी गरीब का पेट भरता हूँ। मेरे को बहुत ही अच्छी खुशी होती है, कोई बुज़ुर्ग कोई मेरे सिर पे हाथ रखता है आके, भी शाबाश बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो। इसी बीच में जो मेरा सीना है बहुत बड़ा हो जाता है, मेरा खुशी से और भी अच्छा करने को दिल करता है। इसी के चलते मैं रोज़ घर से निकलता हूँ, मेरे को काफ़ी शख्स मिलते हैं जो मेरे को दिल से दुआ देते हैं, वो दुआ ही मेरे लिए 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा है। उस दुआ के साथ ही मेरा एक रोज़मर्रा की तरह निकलता हूँ, कभी गलियों में, कभी मोहल्लों में, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ को मैं कम से कम 400-500 सोसाइटीज़ अभी तक सैनिटाइज कर चुका हूँ। हम सुबह निकलते हैं 8 बजे, रात को हमारा 11 बजे घर वापसी का टाइम है, सैनिटाइज भी करते हैं, हम राशन भी बांटते हैं, कच्चा राशन भी बांटते हैं, ड्राई राशन इसको कहते हैं, और प्लस हमारा 3 टाइम का लंगर भी बनता है, सुबह का, शाम का, दोपहर का। हमने अपने जीरकपुर शिवालिक विहार में एक किचन बनाया हुआ पार्क के अंदर, उसमें स्पेशली लिखा हमने गरीबों की रसोई, वहाँ पर हमारा 3 टाइम लंगर बनता है। हमारे ऋजेश नागर जी हैं, हमारे राजा जी हैं, राजा टेंट वाले, शिव जी हैं, मेरी पूरी टीम है, मेरी फैमिली वाले हैं, हम सब मिलके वो गरीबों के लिए लंगर बनाते हैं। बड़ा ही साफ़ सुथरा लंगर है, जिसको हम भी खाते हैं और वो भी खाते हैं। मेरे को बड़ा नाज होता है भी मेरे हाथ से किसी के मुंह में निवाले जा रहे हैं, बहुत ही फ़ख्र महसूस होता है मेरे को। ऐसे ही मैं डेली निकलता हूँ, मेरे सबको यही शुभकामनाएँ हैं, सब लोग दिल खोल के आगे आएँ, जो बेचारे भूखे प्यासे लोग हैं, बिना रोटी के बैठे हैं, उनको दान करें, डोनेट करें। दवाइयाँ भी मैं देता हूँ, राशन भी बांट रहा हूँ, फ्री में मास्क बांट रहा हूँ, सैनिटाइज़र बांट रहा हूँ, सारा कुछ मैं फ्री बांट रहा हूँ। मेरा बेटा भी मेरे साथ लगा है, LLB कर रहा है मेरा बेटा, आजकल फ्री है, मैं अपने बेटे को भी साथ ही रखता हूँ। ये मेरा बेटा है शुभम नेहरू। शुभम जी, कैसा महसूस होता है जब पापा समाज सेवा करते हैं, आप भी इनके साथ हैं, आप भी इनसे प्रेरित हो रहे हैं? बिल्कुल प्रेरित हो रहे हैं सर, साथ लगे हुए हैं इनके काम करने। किसी भी टाइप की इनको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई लीगल एडवाइस चाहिए होती है, तो साइड बाय साइड वो भी इनको मिल रही है। बाकी मेरे पापा ने बता ही दिया कि हम लंगर वगैरह सब कुछ डोनेट कर रहे हैं, ड्राई राशन वगैरह सब कुछ दे रहे हैं। इन केस अगर किसी को फिर भी हमारी हेल्प की ज़रूरत है, हमारा नंबर है 9501532881। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 9501532881। आप कभी भी हमें फ़ोन करें, हम आपके लिए हमेशा खड़े हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपका मोहल्ला अभी तक प्रशासन ने सैनिटाइज़ नहीं किया है, तो आप नवजीवन फाउंडेशन और पवन कुमार नेहरू जी की हेल्प ले सकते हैं। इन्होंने अपना नंबर आपको बताया है, आप इनसे संपर्क करके अपना मोहल्ला सैनिटाइज करवा सकते हैं, या आपके आसपास कोई ज़रूरतमंद है जिसे राशन या लंगर की ज़रूरत है, तो भी आप इनसे संपर्क कर सकते हैं।